हेलो दोस्तों, क्या आप नया लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या होनी चाहिए, मैं ऐसा कौन सा लैपटॉप लूँ जिसमें वो सारा काम हो जाए जो मैं करना चाहता हूँ। लैपटॉप ऐसा नहीं है कि 200-400 रुपये का खेल हो, इसमें 40,000 से लेके लाखों रुपये तक लग जाते हैं। कहीं इतना सारा पैसा मेरा गलत लैपटॉप में ना लग जाए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप मॉडल। अब इतने सारे ऑप्शन के साथ आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होना आम बात है। यदि आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए जानते हैं कि लैपटॉप लेने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल डीजे लैब कॉम को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी लैपटॉप लेने से पहले सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपकी बजट कितनी है और आपकी ज़रूरत क्या है, आप उस लैपटॉप में काम क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रोसेसर देखना है, उसका रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले और स्क्रीन साइज, बैटरी लाइफ, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसमें, लैपटॉप का ब्रांड, वन बाय वन इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका बजट एंड योर नीड। पहले तो आपको अपना बजट डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितने तक का लैपटॉप चाहिए, फिर मुझे उसमें क्या क्या काम करना है। जैसे आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप बेसिक सा कोई काम करते हैं, या स्टूडेंट हैं, या ऑफिस यूज़ के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं, या कोई शॉप के ओनर हैं, तो आपको मिनिमम 30,000 का बजट चाहिए ही, कम से कम 30,000। फिर उसके बाद अगर ग्राफिक्स डिज़ाइन का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ऑटो कैड, एडोब प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे तो 45,000 प्लस 45,000 से आपका ऊपर बजट होना चाहिए। फिर इसके बाद आप एडवांस मल्टीटास्किंग यूज़ करोगे, प्रोफेशनल हो, हाई एंड गेमिंग करना चाहते हो, तो कम से कम मिनिमम आपके पास 60K प्लस होना चाहिए, 60,000 से ऊपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है वो है प्रोसेसर। मार्केट में अभी दो टाइप के प्रोसेसर काफ़ी चल रहे हैं, वह है इंटेल और AMD। इंटेल में जाएंगे तो इंटेल कोर प्रोसेसर i3, i5, i7, i9। वहीं AMD में चलते हैं तो AMD का राइजन 3, राइजन 5, 7 और 9। प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जाऊँ अगर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोसेसर किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का हार्ट होता है, उसका दिल होता है। लैपटॉप के अंदर चल रही सारी एक्टिविटी प्रोसेसर ही करवाता है। प्रोसेसर एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन प्रोसेस कर सकता है। यह लैपटॉप का सबसे मेन पार्ट होता है। अब बात आती है कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। नॉर्मल यूज करना चाहते हैं जैसे ऑफिस वर्क, कोई टीचर है, स्टूडेंट हो, चॉइस सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपको i3 प्रोसेसर लेना चाहिए, वहीं AMD में राइजन 3। वहीं आपको मल्टीटास्किंग प्रोसेसर चाहिए जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करोगे, ग्राफिक्स डिज़ाइन का काम करोगे, कोरल ड्रा जैसे हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, तो आपको i5 लेना चाहिए, वहीं AMD में राइजन 5। अब इससे भी एडवांस चलें तो हैवी मल्टीटास्किंग जैसे 4K फुल HD वीडियो एडिटिंग, हाई एंड गेमिंग लैपटॉप जिसमें गेमिंग करोगे या यूट्यूब पे लाइव गेम स्ट्रीमिंग करोगे, तो इसके लिए आपको i7 या i9 लेना चाहिए इंटेल में, इंटेल i7, i9। वहीं AMD में राइजन 7 या राइजन 9। प्रोसेसर में इतना ही नहीं, इसका जनरेशन भी आपको देखना है। ओल्ड जनरेशन प्रोसेसर नहीं होने चाहिए, जितना हो सके आप लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर ही सेलेक्ट करें, जैसे 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन। अगेन मैं जनरेशन के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो ये लैपटॉप भी अपने जनरेशन को अपडेट करते जा रहे हैं, जिससे इनकी परफॉर्मेंस और स्पीड बढ़ती जा रही है। लैपटॉप का जनरेशन जितना लेटेस्ट होगा, लैपटॉप उतना ही स्मूथ चलेगा और उसके उतने ही एडवांस फीचर्स भी होंगे। सो यू शुड गो विथ लेटेस्ट जनरेशन लैपटॉप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रैम। रैम के काम को मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कोई खेल खेल रहे हैं जैसे कबड्डी या क्रिकेट, तो आपको खेलने के लिए जगह तो चाहिए ही ना। कबड्डी के लिए कम जगह की जरूरत पड़ेगी, क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा जगह चाहिए, बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए, तो ये प्लेग्राउंड ही आपका रैम है।
सेम इन द केस ऑफ लैपटॉप। आप कुछ भी काम कर रहे हैं या कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो काम करने के लिए आपको जगह तो चाहिए ही ना, मेमोरी चाहिए, तो वो मेमोरी आपको रैम प्रोवाइड कराता है। आप कुछ भी काम करते हो वो रैम के अंदर होता है, फिर प्रोसेसर से होते हुए डिस्प्ले में शो होता है। रैम के भी टाइप्स होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, लेटेस्ट में भी DDR5 चल रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, रैम कितने जीबी का लेना चाहिए? अभी के जितने भी लैपटॉप हैं उसमें कम से कम 4 जीबी का रैम तो आपको लेना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी जनरेशन के लैपटॉप हो, मिनिमम 4 जीबी रैम होना ही चाहिए। अब आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ग्राफिक्स डिजाइन का यूज करना चाहते हैं, देन यू शुड गो विथ 8 जीबी रैम, 8 जीबी रैम आपको लेना ही चाहिए। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल यूजर हैं और आपको बहुत ज़्यादा हैवी काम करना होता है, लाइक वेडिंग, मैरिज वीडियो एडिटिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, तो आपको 16 जीबी का रैम लेना चाहिए, इससे नीचे नहीं। अब चलते हैं स्टोरेज की ओर। स्टोरेज में पहले HDD आते थे और अब आ गए हैं SSD। स्टोरेज में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे स्टोरेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टोरेज मेनली 2 टाइप के आते हैं। फर्स्ट वन इज HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सेकंड वन इज SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दोनों ही स्टोरेज के लिए यूज़ में आते हैं, जिसमें आप अपना फ़ोटो, वीडियो या कोई भी डाटा सेव करके रख सकते हैं। पहले HDD आया, इसमें एक डिस्क लगी होती है जो एक मोटर की हेल्प से फुल स्पीड में रोटेट होती है और इसी डिस्क में आपका सारा डेटा सेव होता है। अब SSD आ गई है, इसमें कोई रोटेटिंग डिस्क नहीं होता, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, इसी में आपका सारा डेटा सेव होता है। SSD की खासियत यह है कि ये हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ही फास्ट, एफिशिएंट और कम पावर कंज्यूम करती है, जिससे आपका लैपटॉप का बैटरी बैकअप भी शानदार रहता है। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए जहाँ हार्ड डिस्क 30 to 150 MB पर सेकेंड के स्पीड से कॉपी करती है, वहीं SSD उसी फाइल को 500 to 1000 MB पर सेकेंड की स्पीड से कॉपी करेगी। साटा SSD से एडवांस NVMe SSD भी मार्केट में अवेलेबल है, NVMe SSD इससे भी एडवांस है। ये 3000 to 3500 MB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा कॉपी करती है। तो आप एक नॉर्मल यूजर हैं और आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप 500 से 1000 GB तक का हार्ड डिस्क ले सकते हैं। और आपको फास्ट वर्किंग, मल्टीटास्किंग और फास्ट बूटिंग के लिए चाहिए, तो 256 GB का SSD या इससे ज़्यादा का भी ले सकते हैं। इससे आपका लैपटॉप जल्द ही चालू होगा, इससे बूटिंग स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है। कोई भी काम करोगे वो हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में बहुत फास्ट काम करेगा। और जिनको स्टोरेज भी चाहिए और फास्ट स्पीड भी चाहिए, वो दोनों लगा सकते हैं। 256 GB का SSD लगा लीजिए और इसी के साथ साथ 1000 GB का हार्ड डिस्क। SSD में विंडोज इंस्टॉल करिए और हार्ड डिस्क को स्टोरेज के रूप में यूज़ करिए। अब आते हैं डिस्प्ले और उसके साइज़ पे। लैपटॉप स्क्रीन में आपको डिफरेंट वेराइटीज़ मिल जाएगी, जैसे नॉर्मल LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन, OLED स्क्रीन, TN पैनल्स, IPS पैनल, VA पैनल। LCD स्क्रीन नॉर्मल ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे अगर साइड एंगल से देखोगे तो कलर शिफ्टिंग या ब्लैक ब्लैक टाइप से आपको दिखेगा। इसके अलावा कंट्रास्ट रेशियो और स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा। वहीं LED स्क्रीन में आपको इन्हेंस्ड ब्राइटनेस एंड हाई कंट्रास्ट रेट देखने को मिलेगा। किसी भी एंगल से देखो, साइड से, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, हर एंगल से आपको वीडियो क्वालिटी बहुत शानदार मिलेगी। LED स्क्रीन LCD स्क्रीन के कंपैरिजन में बहुत ही कम बैटरी का यूज़ करते हैं, मतलब LED स्क्रीन वाले लैपटॉप में बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर आते हैं OLED स्क्रीन पे। LCD स्क्रीन को बैकलाइट की ज़रूरत होती है, जिससे LCD पे लाइट पड़ती है और पिक्चर या वीडियो शो होता है, बट OLED में अलग से बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती। OLED डिस्प्ले में इसका हर एक पिक्सल खुद की लाइट जनरेट करता है और इसी के कारण ये बहुत ही पतली, थिन होती है और फ्लेक्सिबल भी। आपने देखा होगा फोल्डेबल मोबाइल या फोल्डेबल लैपटॉप, जिसका स्क्रीन पूरा फोल्ड हो जाता है, उसमें OLED स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं डिस्प्ले साइज के ऊपर। लैपटॉप स्क्रीन आपको जनरली 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15.6 इंच के आते हैं। इसे आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करें, जैसे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कहीं लाने ले जाने में आपको इजी पड़े, तो आप छोटे स्क्रीन के साथ जाइए, 13 इंच या 14 इंच। अब आप कोई गेमर हैं या वीडियो एडिटर हैं
तो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, बड़ी स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, सो यू शुड गो विथ 15.6 इंच या इससे बड़ा भी ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैटरी लाइफ। लैपटॉप की बैटरी लिथियम आयन की होती है। ये जनरली 2000 mAh से लेकर 7000 mAh की आती है। जितनी ज़्यादा mAh की बैटरी रहेगी उतनी ज़्यादा ही वो बैकअप देगी। एक बात और, जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप हैं वो कम पावर कंज्यूम करते हैं, तो लेटेस्ट जनरेशन वाले लैपटॉप की बैटरी बैकअप अच्छी होती है। अब आती है OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत कॉमन सी बात है, आजकल विंडोज 10 या विंडोज 11 ही होना चाहिए, विंडोज 7 तो पूरी तरीके से बंद हो गया है, सो यू शुड गो विथ विंडोज 10 और विंडोज 11। अब आती है ब्रांड की बारी। मैं किसी भी ब्रांड को ये तो नहीं बोलूँगा कि ये ब्रांड अच्छा है या ये ब्रांड खराब, लेकिन हाँ, इतने साल के एक्सपीरियंस से जो मुझे ठीक लगा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे बेस्ट नो एनी डाउट एप्पल, देन आफ्टर दैट डेल लैपटॉप, फिर HP, फिर लेनोवो, फिर एसर, देन अदर लैपटॉप्स। एसर और लेनोवो, इन दोनों के गेमिंग लैपटॉप बहुत ही अच्छे होते हैं। इफ़ यू वांट अ गेमिंग लैपटॉप देन यू शुड गो विथ एसर और लेनोवो। कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, वो है लैपटॉप में USB पोर्ट कितने हैं। ज़्यादा USB पोर्ट है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। Wi-Fi कनेक्टिविटी नेटवर्क बैंड, आप सभी को पता है कि अब 5G का ज़माना है, 5G लॉन्च हो चुका है, तो पुराने लैपटॉप में 5G बैंड नहीं होता था, तो ऐसा लैपटॉप देखिए जो 5G और 4G दोनों बैंड सपोर्ट करे। 5G सपोर्ट करेगा Wi-Fi अगर, तो आपको बेहतर नेट स्पीड मिलेगी। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 या इससे एडवांस रहे, HDMI पोर्ट हो जिससे आप अपने लैपटॉप को TV या बड़े मॉनिटर से ईजिली कनेक्ट कर सकें। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहता था कि न्यू लैपटॉप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, जिससे आपको नया लैपटॉप सेलेक्ट करने में और बाय करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आई होप ये वीडियो से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमारे साथ बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।